आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। विकास पाटिल मनियार डैम में नहाते दौरान पैर फिसलने से नहाते दौरान डूब गया। कल से ही उसे ढूंढने की तलाश की जा रही थी लेकिन बॉडी मिल न सकी। आज सुबह मालेगांव शहर से हमें कई सोशल वर्कर और कई मेंबर लोगों का फोन आया। जैसे आसिफ शेख साहब ने मुझे फोन किया कि शकील भाई मनियार डैम से सरपंच का, भैया पाटिल का और बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है। तो मैंने शफीक भाई एंटी करप्शन वाले, उन्होंने भी फोन किया। आसिफ साहब ने मुझे जैसे ही फोन किया तो सत्तार भाई की एम्बुलेंस लेकर मेरे तीन साथी लोग कर इस्माइल, तारिक लल्लू और फाइम को लेकर मुसलसल सुबह से मैं बॉडी की तलाश कर रहा था और अल्लाह की मदद से जहां वो डूबा था उसके आगे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे बॉडी नजर आई और बॉडी को रेस्क्यू कर पानी से निकाल कर अभी सरपंच और गांव के लोगों के ताबे में दे रहा हूँ। बॉडी वहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इनकी गिरने की वजह क्या थी? ये ऐसा मालूम है कुछ दोस्तों के साथ नहा रहे थे, नहाने की वजह नहाते नहाते वहाँ जान जान भी मारे तो वो मनियार डैम का फ्लो है और वो भौरी है, भौरी के अंदर इनका पैर फंस जाने से ये हस्ते के शिकार हो गए। गांव वालों से मालूम पड़ा कि ये खुद भी बहुत अच्छा माहिर तैराक था लेकिन पानी जो रहता है, पानी जो जहाँ से इसने उड़ी मारी वहाँ भौरी है, घुमा हो रहा है। तो अल्लाह के वास्ते जब ऐसा कहीं कोई पानी रहे तो जो भी तैरने वाला है तो जो भौरी और ये ऐसा दबाड़ आती है तो वहाँ अक्सर अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। कितना भी माहिर तैराक हो वो वहाँ डूब ही जाएगा इसलिए कि वो भौरी पानी घुमाता है और पानी जब घुमाता है तो इंसान को बाहर निकालने का चांस नहीं होता है। भैया पाटिल ने आसिफ साहब को फोन किया, आसिफ साहब ने मुझे फोन किया, मैं उम्रे के लिए रवाना हो रहा था, आज मैं आ नहीं सकता था लेकिन अल्लाह की मदद से इनके गांव के सरपंच और भैया पाटिल के बोलने पर और आसिफ साहब ने खुशी फोन किए शफीक भाई एंटी करप्शन, आसिफ साहब ने मुझे बोले उम्रे को तू रात में जाने वाला है, जाके कोशिश कर और अल्लाह की मदद से बॉडी निकाल कर और अभी भैया पाटिल के ताबे में दे रहे हैं। शकील भाई आप मालेगांव शहरियान को तो अक्सर मैसेज देते हैं, इस गांव के लोगों को ये नहाने धोने के ताल्लुक से क्या मैसेज देंगे? मैं तो हमेशा कहूंगा गांव के लोग तो जैसे अच्छे माहिर तैराक होते हैं लेकिन मनियार डैम का जहां फ्लो है वहां पे पानी भौरी घुमा रहा है। कितना भी माहिर तैराक हो अगर भौरी में गया तो हो सकता है अच्छा तैरने वाला तो निकल जाए, नहीं तो तैराक माहिर तैराक भी भौरी की चपेट में आएगा तो वो डूब ही सकता है। तो इसलिए पानी जहाँ ऐसा हो तो अल्लाह के वास्ते कोई नहाने की कोशिश ना करे।